हम नहीं थे ऐसा कभी नहीं, हम आसम एव न कदाचिदपि न। वो जो बीच में न है दरिदिपन्याय सबके साथ जुड़ेगा। नासम नत्तम नेमे जनादिपाह न अहम न आसम, अहम नासम इति न, तुम न इति न, नेमे जनादिपाह इति न। किंतु अवश्यम एव हमेशा नए द्वय क्या होता है, प्रतियोगी का दृढ़ता की सिद्धि करने के लिए होता है। नए द्वय से निषेध कर दिया, आगे भी न चैव न भविष्याम, नहीं होंगे ऐसा भी नहीं है, अरे सदा रहेंगे। यहां पर चकार जो है अनादित्व का समुच्चय करने के लिए, और जो एवगार है एवं जातु शब्द है और एक न है, ये तीन शब्द प्रत्यय के साथ जुड़ेगा। न जातु अहम एव न, और न जातु तम न इति एव, एवं न जातु इमे जनादिपा न इति एव। इधर एवकार जातु और एक नई सब के साथ जुड़ता है। पूर्व पूर्वार जो है एक तरह से प्राग भाव का प्रतियोगित्व को सिद्ध कर दिया, सदा रहते हैं, और जो प्राग भाव प्रतियोग क्या होता है, पहले नहीं रहता है ना, बाद में आ जाता है, और सदा रहते हैं ना, प्राग भाव प्रतियोगी नहीं है, लेकिन पहले रहा है इसका हमेशा रहता है, लेकिन बाद में नष्ट हो जाए तो प्रध्वंसा भाव का प्रतियोगी बन जाएगा, उसको भी निषेध कर दिया। न भविष्य हम इतना, भविष्य में नष्ट होने वाला ये नहीं है, सदा रहता है, अरे प्रध्वंसा भाव का भी वो अप्रतियोगी हो गया। इस प्रकार से राग और प्रध्वंसा उभय का अप्रतियोगित्व सिद्ध करने के लिए भी ये बात कही गई है। और अंतिम सर्वे वयम तत्तम दोनों का ऐक्यता कर दिया, इसलिए हम सब क्या वो परी है, परम माने ब्रह्म है, वो ऐक्यता का प्रतिपादन कर दिया। और जो तू यहां पर आया हुआ है वो सब प्रकार का भेद का निराश करने के लिए, आत्यंतिक का भेद का सिद्धि करने के लिए तू कह करके पूर्व वर्णित भेदों का निराश करता है। भाष्यकार जी के नत्येव जातु कदाचित अहम च नासम किंतु आसमेव, जातु कर्त करते कदाचित, नत्येव अहम नासम, हम नहीं है ऐसा कभी नहीं, किंतु आसमेव, किंतु हम सदा से हैं, अतितेषु द्योत्पत्ति विनाशेषु नित्येव अहम आसम, बीते हुए सकल देह उत्पत्ति विनाश आदि काल से वर्तमान ये इस देह की काल में भी नित्य रूपेण हम विराजमान हैं इति अभिप्राय। तथा इसी प्रकार से न च न तुम नासी ही, या थोड़ा कट गया ऊपर के इस लाइन में ऊपर के ससारा, न तुम अनुस्वार को वहां नासी ही दीर्घ मात्रा बना ऊपर का, न तुम नासी ही किंतु, किंतु ये भी मिला जाना चाहिए, आसीरेव, किंतु तुम तो सदा ही हो, आसीरेव। तथा च ने मे, ने मे ये मात्रा है नहीं है, जनादिपा नासन किंतु आसनेव, वे नहीं थे ऐसा नहीं, सदा से हैं ही वे भी, तुम नहीं थे ऐसा नहीं, तुम सदा से रह रहे हो, मैं नहीं था ऐसा नहीं, हम भी सदा से हैं, और ये लोग भी नहीं है ऐसा नहीं, ये भी सदा से हैं। अतः तत्पदार्थ नित्य है, तम पदार्थ नित्य है, और अहम से क्या लिया, स्वयं ईश्वर, अहम करीश्वर बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं, तो तत्पदार्थ है, और तम बोल दिया तम पदार्थ, एवं इदम पदार्थ, सब पदार्थ नित्य ही है।
तथा न चैव न भविष्याम, किंतु भविष्याम एव च, भविष्य में विध्वंस हो जाएंगे, नहीं रह जाएंगे ऐसी बात नहीं है, किंतु सदा रह जाएंगे। सर्वे वयम अतो अस्मात् देह विनाशात् परम, दूसरा अर्थ ले रहे हैं पहले, इस देह विनाश से परम है उत्तर काले भी त्रिशोपि कालेषु नित्या आत्मस्वरूपेण, आत्मस्वरूपेण हम सदा नित्य ही हैं। देह भेद अनुवृत्तिया बहुवचनम न आत्मभेद विप्रायेण, ये जो जनादिपाह और वयम सर्वे इस बहुवचन जो बोला गया है, बहुवचन जो है आत्मभेद के दृष्टिकोण से नहीं है, आत्मभेद है ही नहीं इसे, उस दृष्टिकोण से हो नहीं सकता। फिर किस दृष्टिकोण से किया गया, देह भेद का अनुवर्तन करते हुए कर दिया, देह अनंत है अतएव बहुवचन प्रयोग कर दिया। न उपाधि को लेकर के बहुवचन है, स्वरूप को लेकर के एक वचन। ये तो संक्षेप में कहकर समाप्त करते हैं। अब शंकरानंद जी देखिए इसमें बहुत लंबा कहते हैं, नत्वेवाहमिति, अहम मने तत्पदार्थ परमात्मा सर्वज्ञ सर्वशक्ति सर्वतंत्र स्वतंत्र परमेश्वर, अहम सबसे तत्पदार्थ को लिया जाएगा। कौन है वो तत्पदार्थ? परमात्मा है। कैसा हो परमात्मा? सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वतंत्र स्वतंत्र है और वह परमेश्वर है। जातु ये भी अवयत्ले रहे कदाचित, नासमिति न, नासमिति न, किंतु सर्वदा आसम एव, एव को जोड़ देंगे। मद असंभव है जग सृष्टियाद्य संभवात, यदि मैं ना होता एक जग सृष्टि आदि भी कभी नहीं होते। क्या प्रमाण है? तथा ही जन्माद्यस्यतः, ब्रह्मसूत्र दे दी श्रुति उसी का विषय, यतो वा इमानि भूतानि जातानि यतो जातानि भुवनानि विश्वाः स ऐच्छत लोकान् सृजयति सीमान् लोकान् असृजत इत्यादि श्रुतिभिः मत्तेव जगदुत्पत्ति श्राव्यते, मुझसे ही सारे जगदुत्पत्ति सकल श्रुतियों में वर्णन किया गया है। मत्त एव जगत स्थितिश्च, मेरे ही कारण से जगत का स्थिति भी है। इसमें क्या प्रमाण है? उसी मंत्र और हिस्से देंगे, ये जाता नहीं जीवंती है ना, अव्यक्ता व्यक्ति, ने अब आगे नहीं बोलना है, आगे फिर प्रलय की बात आएगी, जब प्रलय का आएगी तब वहाँ वो आगे का मंत्र बोलना है, आगे दे रही है नीचे आ रहा है। पहले उत्पत्ति सा इतना ही बोले तो भाई मानी भूतानी जायंत, आप बोलेंगे ये न जाता नहीं जीवंती, इसे आगे का अब नहीं बोलना, आगे बोलना है दो पंक्ति बाद। व्यक्ता व्यक्तम भरते विश्वमीशः श्वेता श्रोतृभ्य सदाधार प्रतिबिंद्याम उतेमाम भीषा अस्माद वात पवते इतरेण जीवंती अस्मिन नेता उपाश्रत तस्मिन लोकाश्रता सब सर्वे इत्यादि श्रुति भी प्रतिपाद्यते, ईश्वर की ही सत्ता से इन सब की स्थिति बनी हुई है, उसके लिए सारे श्रुतियां प्रमाण, स्थिति के लिए प्रमाण है ये। ब्रह्म की सत्ता से ही ये सब सत्तावान बन के बने रहते हैं, इसके लिए सब प्रमाण दिया। और प्रलय के लिए क्या प्रमाण है? यत प्रयंत विषम विशंति, क्या दिया? यत प्रयंत विषम विशंति तथा अक्षराजिता सौम्य भाव प्रजायन्ते तत्र चैवापियन्ति यस्मिन् क्षेत्रे सहरत्येष देवः इत्यादि श्रुतिभिः मत्तेव जगल्लयोपि श्राव्यते, मुझसे ही जगत का प्रलय, मुझसे जगत की उत्पत्ति, मुझसे स्थिति ऐसी श्रुतियों में स्मृतियों में वर्णन है। ऐसा मैं परमात्मा हूँ और मैं सजा रहता हूँ तभी ऐसा हो पाया। ये तो मद एक कर्तृकत्वम जगत सृष्टियादि क्रियाया तथो जगदुत्पत्ति स्थिति लयादिषु आगत्सु सत्सु सद अधिष्ठातृतीया सदा अहम आसमेव इति निरुक्त श्रुति बलाद त्रिशुभि कालेषु मत्सद्भावो निश्चेतव्य इत्यर्थः। जिसलिए मद एक कर्तृकत्व है, मैं एकमात्र करता हूँ इस संपूर्ण जगत का, जगत के सृष्टि आदि क्रियाओं का, तो इसलिए जगत की उत्पत्ति
लय आदि होंगे, आने पर, मिटने पर, रहने पर तदधिष्ठाता के रूप में सदा मैं बने रहता ही हूँ। इति निरुक्त श्रुतियों के बल पर निर्णय हुआ तीनों ही कालों में यह तत्पदार्थ व्याप्त रहता है। तत्सद्भावो मत सद्भावो निश्चितव्या, निश्चय कर लेनी चाहिए। चेतना इसी की बात, और ये भी बात कह दिया गया जैसे मेघ तद आगम स्थित्यादि नाम आधारत्या स्थितस्य आकाशस्य इव, जैसे बादल उत्पन्न होते हैं, स्थित होते हैं और नष्ट हो जाते हैं। कहाँ हुए सब? आकाश में ही, आकाश में ही उत्पन्न हुए, आकाश में ही स्थित है, आकाश में ही नष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार से मेघ तद आगम स्थित्यादि नाम आधारतया स्थितस्य कौन? आकाश से व प्रपंच तदुत्पत्त्यादि नाम अधिष्ठानतया, इसलिए प्रपंच उत्पत्त्यादि के अधिष्ठान रूपेण भी स्थितस्य तत्पदार्थस्य स्वरूपतो निष्कलत्वेन, तत्पदार्थ जैसा आपका आकाश निरवयव है उसी प्रकार से मान लो यह ब्रह्म भी सब निष्कलत्वेन निष्कृत्वेन च, निष्कल है, निष्क्रिय है, निर्गुण है, निराकार इत्यादि सारा घट जाता है उसमें। फिर प्रपंच तद धर्म तद कर्म लेश संबंध रहितत्वम तद भिन्नत्वम नित्यत्वम च सूचितम भवति। अतएव वह ब्रह्म जो आत्मा है, परमात्मा कैसा है? प्रपंच, प्रपंच की जो धर्म और तत्र सकल कर्म तद फलभूता जो भी दुखादि है इनके साथ लेश मात्र भी संबंध रहित है। न तस्य गुणे न दोषे न वा लेश मात्र आपके भी संबद्धित है। काक पंक्ति ब्रह्म सूत्र अवतरणिका में भाष्यकार कहते हैं इस प्रपंच के आत्मा के साथ में न इसके गुण न दोष कोई भी चीज लेश मात्र भी संबंध नहीं होता। ये तो अध्यारोप कर बैठे हो और स्वीकार लिए हो, हाँ मेरा है, मेरा है, मेरा है, मैं गुणवान हूँ और ये दुष्ट है, दोष वाला है, ये सब आपकी परिकल्पना मात्र ही, अध्यारोपित मात्र ही है, वास्तव में आत्मा में ये कुछ भी नहीं है। तो परमात्मा में नहीं तो आप में कहाँ से आओगे? आप भी तो उसी के अंश है। इसे तत्पदार्थ से स्वरूप दो निष्कल और निष्क्रिय होने के नाते प्रपंच के तद धर्म तद कर्म आदि लेश संबंध लेश मात्र संबंध राहित्यम तद भिन्नत्वं च, और तार जगत के भिन्न भी है, नित्य भी है, ये सारी बातें नत्तेवाहम जातु नासम इतने मात्र से बोल दिया गया प्रथम पाद से। ननु परमेश्वर स्वतंत्र से काल तेरे पिता सद्भावस्तु, ठीक है आप परमेश्वर है, स्वतंत्र है, आप तीनों कालों में थे, इसको कोई संशय नहीं है, लेकिन हम अपनी बात कैसे कहें? यहाँ तो डेट ऑफ बर्थ जाना जा रहा है ना, जन्म तिथि और मरण तिथि मनाया जा रहा है, निर्वाण महोत्सव भंडारे खा रहे हैं, यहाँ तो जन्म मरण का चक्कर चल रहा है, हम कहा तीनों कालों में? इसे मम खत्म मर्त्य से नित्यत्वम सिद्ध्यति, मैं क्या हूँ? मर्त्य हूँ, इन मैं कैसे सिद्ध नित्य हो सकता हूँ? सिद्धताः नत्वं नेमे जनादिपाक त्वम त्वं पद लक्ष्यार्थश्च जातु कदाचिदपि नासिरिति न, ऐसा अध्यार कर लें, नासिर को अध्यार कर लेंगे, नासम है ना, जैसे नासम था ऐसे नासी ही, आसन बहुचन में वा इमे जनादिपा न आसन नीति न, क्रियापद अध्यार हो जाएगा, तुम नहीं थे ऐसा नहीं, न आसिरिति न किंतु आसिरेव, अवेव जोड़ दिया, अतीत अनाग देहोत्पत्तिदिशु जागृतादिशु इव तुम असी एव, अतीत और आगे भविष्य में आने वाले अनागत सकल देहों की उत्पत्ति स्थिति और लय कालों में जागृति अवस्थाओं में तुम तो सदा रहते ही हो, यथा जागृति तिष्ठतेव तव स्वप्न संबंध, स्वप्न तिष्ठतेव सुषुप्त संबंध, सुषुप्त तिष्ठतेव जाग संबंध, तथा गत देह तिष्ठतेव एतद् देह संबंध, एतद् देह तिष्ठतेव भावी देह संबंध,
अंगी कर्तव्य, अन्यथा सुख दुखादि वैचित्र्य असंभवात कर्म वैचित्र्य देव तव सुखादि वैचित्र्यमिति। जागृत में रहते हुए ये आपका स्वप्न के साथ संबंध है, स्वप्न में रहते हुए आपका सुषुप्ति का संबंध हो जाता है। यदि विच्छेद हो जाए, असंबद्ध हो जाए जागृत और स्वप्न, फिर जो स्वप्न में अनुभव हुआ वो आपको याद नहीं आना चाहिए बाद में। तो सुषुप्ति में अनुभव हुआ जागृत में याद नहीं होगा, और जागृत में जो अनुभव करके जो स्वप्न में आ रहा है वो आपको नहीं होना चाहिए, कि अत्यंत असंबद्ध है। तो इसे जागृत में संबद्ध रहते हुए हम स्वप्न में संबंध कर दे रहे हैं, स्वप्न में संबद्ध रहते हुए सुषुप्ति में संबद्ध हुए, सुषुप्ति में संबद्ध रहते हुए वापस जागृत में संबद्ध हुए। ये निरंतर ही बना हुआ है, टूटता नहीं है, पीछे किसी प्रकार का विच्छेद नहीं है। निरंतर के कारण से वो एक दूसरे का अनुभव का संस्कार निरंतर ही दूसरे में चल रहा है, वासनाएं बनती जा रही है। जागृत संबंध तथा गतदे जैसी तीन अवस्थाओं में इसी प्रकार से पूर्व शरीर का संबंध रहते हुए ये शरीर मिला है, ये शरीर का संबंध रहते हुए अगला शरीर से संबंधित हो जाऊंगा, तभी तो उधर का संस्कार इधर आया, इधर का संस्कार आगे भी जाएगा। तभी भगवान का वचन आगे जो दे रहे हैं, ददा में बुद्धि योगम तम, कैसे घटेगा नहीं तो। यदि पूर्व देह में जो पढ़ा लिखा हुए गए खत्म ही हो गया और उसकी देह से संबंध ही नहीं रहेगा, लगता तो ऐसे ही है ना, दोबारा पूरा लघु पढ़ना पड़ रहा है, दोबारा रटना पड़ता है हर जन्म में, लेकिन फर्क पता लग जाता है। यदि आप पिछले जन्मों में पढ़े लिखे हो और इस जन्म दोबारा जब शुरू करोगे झटते सब याद हो जाता है। पिछले जन्म में संस्कार मजबूत है तो यहाँ जल्दी वो काम करेगा, नहीं तो जिंदगी भर लघु ही में रह जाएगा। कई ऐसे हैं दस दस साल बारह बारह साल लघु में ही रह जाते बेचारे, लेकिन मैं कहता तो कोई बात इस जन्म में बारह साल लगाओ अगले साल जब बारह महीने में हो जाएगा अगले जन्म में, तो उससे अगले जन्म में छह महीने में हो जाएगा। लेकिन लगे रहोगे तब ना इस मार्ग में आगे बढ़ोगे। इसे वह बुद्धि योग को भगवान ने कहते आगे जन्म में भी हम देंगे, वो नष्ट नहीं होता। क्यों? पूर्वोत्तर देहों का संबंध है, ये संबंध नहीं होगा वहां कहां खत्म, यहां का यहां, तो यहां का आगे भी नहीं जाएगा, फिर फायदा नहीं। एक जन्म यदि मुक्ति नहीं हुई तो कभी होगी ही नहीं, इस तरह से हर जन्म के ये हाल होगा, फिर अनेक जन्म संसिद्ध भी घटेगा कैसे। इसीलिए आपको मानना ही पड़ेगा पूर्व देह का इस देह के साथ संबंध है, इस देह का अगले देह के साथ ऐसा निरंतर संबंध बना हुआ है अनादिकाल से। एतद्देव भावी देह संबंध अंगी कर्तव्य, तो अन्यथा यदि ये बात नहीं मानोगे तो सुख दुख आदि वैचित्र असंभवात, सुख दुख आदि वैचित्र का अनुभव नहीं हो पाएगा। और कर्म वैचित्र देव तब सुख दुख आदि वैचित्र, कर्म के वैचित्र से सुख दुख आदि में वैचित्र आया। कर्म वैचित्र कैसा है? सबका पिछले जन्मों में किए हुए कर्म से पहले जन्मों में किए हुए कर्म, उन कर्मों के आधार पर तो प्रारब्ध बना है, और प्रारब्ध कर्म के कारण से यह भोग हो रहा है, सुख दुख वैचित्र दिख रहा है। कर्म वैचित्र सुख दुख आदि वैचित्र तथा तात्रविद कर्म करतु तव अस्त्येव, फिर क्या करें यहां पर भी जन्म में भी आकर के उसी प्रकार का फिर कर्म करने लगेगा। ऐसे कर्म करता तुझमें आप में है कर्म करतु तव अस्त्येव देहांतर सद्भाव, और अन्यथा कृतहान अकृत अभ्याग प्रसंगाच्छ, निश्चित मानना पड़ेगा तुम्हारे देहांतरों के साथ में सद्भावता संबंध था, आगे के देहों में संबंध रहेगा, यावत मुक्ति काल पर्यंत इन शरीरों के साथ संबंध लगातार बना रहता है। यदि यह बात नहीं मानते हो तो सबसे बड़ा दोष है कृतहान और अकृत अभ्यागम दोष। कृतहान में पिछले किए हुए सारा पुण्य वहीं खत्म हो गया, उसका फल अब मिलनी ही नहीं यहाँ पे, पिछले पाप भी वहीं नष्ट हो गया, ये शरीर फिर आया एक किस आधार पर।
और आ भी गया अचानक कहीं से टपक भी जाए। फिर यहां जो हम भोग कर रहे हैं दुख किस पाप का, कई लोग बोलते हैं आते भी हैं मिलते गृहस्थी होते बोलते हमने तो कभी मच्छर को भी मारा नहीं, फिर हमको इतना दुख क्यों हो रहा है, इतना परेशानियां क्यों आ रहे हैं, ऐसे बोलते हैं, यही बोलते हैं। और कितने मच्छर मारे कोई ठिकाना ही नहीं, लाखों मार दिए हैं, एक दो थोड़े रोज वाला लगा देते ना वो ऑल आउट ऑल आउट लगा के सो रहे हैं तो इतने मच्छर मर रहे कि नहीं मर रहे। पहले कम से मच्छरदान लगा कर सकते ताकि हम मच्छर मारना ना पड़े, इन्हें तो मार रहे और झूठ बोल रहे। तो क्या क्या नहीं कर रहे हैं फिर भी अपने आप को बिल्कुल दूध के अत्यंत शुद्ध पवित्र मान बैठते हैं और बार बार दुख भोग रहे हैं फिर भी अकल नहीं आ रहे, हमें सुधरना चाहिए। इसलिए कहते कृतहान अकृतभ्यागम दोष आ जाएगा। जन्मांतरकृतं कर्म भुंजते जंतुओ अधुना, स्पष्ट है स्मृतियां कहती है जन्मांतर में किए गए कर्म जिनका फल वही भोग में नहीं मिला था उन्हीं को भोगने के लिए जन्म मिला हुआ है, अब यहां भोग रहे अधुना जंतवो भुंजते इति। यत् कर्म कुरुते तद अभिसंपद्यते अभिसंपद्यते, जैसा कर्म करते हो वैसे फल को तुम प्राप्त कर जाओगे। इत्यादि श्रुति स्मृति विरोध प्रसंगाच इत्यादि स्मृति स्मृतियों के साथ विरोध की भी प्रसक्ति हो जाएगी यदि पूर्वोत्तर श्रीरादियों का संबंध मानकर अपने आप को नित्य नहीं मानोगे। तो पूर्व कृतस्य अधुना अधुना कृत कर्म फलम भावी जन्मनी अनुभुज्यत, पूर्व कृत का यहाँ पर और यहाँ का के आगे में जन्मों में कर्म के फल को भोगना अवश्य निश्चित है। तथैव श्रूयते कहा भी स्मृतिकारों ने प्राप्यांतं कर्मस्तस्य यत्किंचेह करोत्ययम् तस्मात् लोकात् पुनरेत्यस्मै लोकाय कर्मणे। प्राप्यंतं कर्म पूर्वोक्त पूर्व जन्मों में किए हुए कर्मों का फल यहाँ अंत मने भोग करके तस्य यत्किंचित और के भी फलस्वरूप उसी की वासनाओं के कारण से यहाँ पर भी अयम किंच यह करोति इस जन्म में भी कुछ न कुछ नया नया कर्म करते रहता है। केवल प्रार्थ भोग करें पुरुषार्थ न करें फिर तो आगे के लिए सुविधा हो जाता मोक्ष के लिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। केवल प्रार्थ कर्म भोग नहीं करते हैं इन साथ सब कुछ पुरुषार्थ भी करते हैं, बार बार अवसर देते रहते भगवान पुरुषार्थ के लिए भी। हर प्रार्थ कर्म के भोग के बाद एक पुरुषार्थ के अवसर मिलता है और सर में आप पुरुषार्थ कर देते हो और पुरुषार्थ भी सकाम कर देते हो फिर आगे के लिए आपने बीज बो दिया। ये चक्कर चलते आ रहा है और चलते रहेगा। तस्मात लोकात पुनर एति, इसलिए इस लोक से मर जब निकलता है शरीर से मर के निकलता है तो अस्मै लोकाय कर्मणे, पुनः पुनः वह अगला शरीर प्राप्त करेगा किस लिए, कर्मणे कर्म करने के लिए। इति यथा जिसलिए ऐसा है ततो जागृत अवस्थासु इव गत देहादि देहेषु भावि देहेषु अपि इदानीमिव तव त्रिशोपि काल सद्भावो अस्त्येव इत्यर्थः। इसलिए निष्कर्ष निकलता है जागृत अवस्थाओं में जैसे परस्पर संबद्ध होकर तुम रहते हो उसे गत देहों में भावी देहों में और इस समय भी इदानीमिव इस समय में अवश्य प्रकार से तीनों ही कालों में सभी शरीरों के साथ तुम्हारा सद्भाव बना रहता है, अतएव तुम भी नित्य हो मेरे जैसे ही तुम भी नित्य हो। एतेन त्वं पदार्थस्य आत्मदेहेन्द्रियादिभ्य भिन्नत्वं नित्यत्वं च सूचितं भवति, इसके द्वारा त्वं पदार्थ जो है वह भी आत्मा और जो त्वं पदार्थ आत्मा है लक्षार्थ आत्मा भी देहेन्द्रियादियों से भिन्न नित्य ये बात सूचित किया गया। तो तत्पदार्थ में भिन्न है नित्य सूचित हुआ और तम पदार्थ भिन्न और नित्य सूचित हो गया। अब रह गया इम इदम पदार्थ, इमे
जनादि पाश्च आसन का ध्यान करते हो नासन नीति ना किंतु आसन एव इति तम पदार्थत्व अविशेषात त्रिशोचित कालेशु आसन एव वास्तव वो भी तम पदार्थ है इदम ते व्यवहार हम कर देते हैं कि जो इदम होता है वही तम होता है वही अहम होता है फिर वापस इदम बन जाता है। ये चक्कर चलता ही है इदम मम अहम एक चक्र है। ये हम लोग बार बार दृष्टान देते समझाते हुए जैसे भोजन है भोजन बना हुआ है रसोई घर में रखा हुआ है परोसने से पहले ये सब क्या है इदम तो वो सब भोजन तैयार है और आप क्योंकि थाली लग गई या पत्तल लग गया आपके पत्तल में रख दिया तब ममा हो गया जो इदम ही था ना वो तो वो ममा गए हो गया और खा पी लिए खून आदि मांस आदि बन गया तो हम खड़े हो गया लघुशंगा शौच के रूप में वही निकल गया किसका लघुशंगा किसने करी यहाँ किसका है शौच ममो। अब जब नहीं बोले तो काम चलेगा नहीं। अब देखो ना वहाँ पर जाते ना परीक्षण केंद्र में जांच केंद्र में वहाँ लिखना पड़ता है ये मेरा लघुशंगा नाम लिखो बोलते हैं वो नाम लिखो नाम लिखकर डिब्बा देंगे मम्मा लघु शंका मम्मा तो आगे नहीं उसमें फिर सुख सा के खत्म हो गया तो वापस इदम जगत में चला आ गया। इसलिए इदम ये मम्मा होता है मम्मा हम होता है हम से फिर मम्मा मम्मा से फिर इदम ये चक्र चलते ही रहता है। ये वास्तव में इमेज हम कह रहे इदम वो भी तुम ही है एतन तुम पदार्थ से आत्मन हो इसलिए कहते हैं कि यथा अहम तथा जिस प्रकार से मैं सर ये भी नित्य सिद्ध सत स्वभाव इत्यर्थ इसलिए ये भी जितने भी हैं सब के सब नित्य सिद्ध स्वभाव वाले सत स्वभाव वाले ही हैं। जनाधिपाते अविद्यावृत्ति भेदेन भोजनम न तो आत्मभेदेन जनाधिपाह भोजन क्यों कर दिए कहते हैं अविद्यावृत्ति भेद को लेकर के कह दिया गया बहुवचन आत्मभेद को लेकर के नहीं है। तद्भेदे प्रमाणा भावात और आत्मभेद होने में कोई प्रमाण नहीं है ननु आत्मभेदे प्रमाण वैती यदुक्तम तद अति साहसम आत्मभेद में कोई प्रमाण नहीं है ये जो आप कहे बात साहसी वचन आपका है भाई इतने साहस आपको कैसे हो रहा है दिख रहे हम यहाँ भी कितने गिनो बोलते कि नहीं हम लोग गिनो भाई कितने लोग हैं 20 है 25 है गिना जा रहा है इतनी आत्माएं हैं यहाँ पर अब कैसे करो आत्मा भेद नहीं है आत्मा भेद नहीं है आत्मा एक ही है। पूर्व पक्षी कहता है ये साहस आप मत करो इतना साहस कैसे आपके अंदर आ गया कि आत्मभेद सर्वानुभव सिद्ध है उसको जो आप खंडन कर दे रहे हो आत्मभेद प्रमाण अभाव है प्रमाण नहीं है ऐसा जो आपने कहा ये अति साहस है आत्म तत्व विचार माने तो आत्मिकत्व न घटते ये आत्म तत्व पर विचार करके देखें आत्मगत एकत्व घटेगा ही नहीं क्यों नहीं घटता प्रत्यक्ष आदि सकल प्रमाण विरोध है एक प्रमाण नहीं प्रत्यक्ष आदि प्रमाण विरोधा प्रत्यक्ष सकल प्रमाण के साथ विरोध है तथा ही कहते सुनिए पहले प्रत्यक्ष प्रमाण का मामला यत्र यत्र अहम प्रत्यभेद तत्र आत्मभेद इति प्रतिदेव अहम प्रत्यभेद से प्रत्यक्ष उपलब्धिमानत्वात् एकत्वे तो तम अहम अयम इत्यादि व्यवहार लोप प्रसंगाच्च तथा आत्मभेदे प्रत्यक्षम प्रमाणम सिद्धम अहम प्रत्येक भेद जहाँ जहाँ पर भी है वहाँ वहाँ पर आपको आत्मभेद मानना पड़ेगा और अहम प्रत्येक भेद कहाँ का दिख रहा है हमको प्रत्येक शरीर में हम प्रत्येक भेद अलग अलग है सभी के अहंकार अलग अलग स्तर का है किसी का इतना 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 है ओ इतना है बहुत है अहंकार का ठिकाने की होंगे तो इतना ज्यादा अहंकार हो जाता है आदमी को जब अपना अधिकार मिल जाए उस वैसे में फिर वो किसको समझता ही नहीं सब कोई मेरे वजह से ही है
निकाल दो आसन से तो पता चले तेरे बिना भी तो पहले था, तेरे बिना बाद में भी रहेगा। ये मतलब ये अहंकार है, मेरी बिना नहीं। एक को निकाल दिया फिर उसके बाद बोलने लगे भाई देखो तुम्हारे बिना आसन चल रहा कि नहीं चल रहा है। तब भी देखो अहंकार कम नहीं हुआ उसको, कहते जैसे मैं चलाता था वैसे नहीं। ले भाई क्या दिमाग है, जैसे मेरे जमाने में था ना वैसे नहीं है। तो अगले ने बोले उससे सब बढ़िया है, अभी पहले से तो बहुत बढ़िया है, तेरे जमाने तो 10-12 भी नहीं टिक पाते थे, अब तो 50 है। अरे ऐसे खाओ पी वाले होंगे, ऐसे ही होंगे, तब भी उसके अहंकार नहीं घट रही। कैसे ही अहंकार की माया के बड़ा खेल विचित्र है ये, कभी एक मानता नहीं अपने आप को छोटा और कम, कभी नहीं मान सकता। इसलिए हम प्रत्येक भेद स्पष्ट दिखाई दे रहा है, तर आत्मभेद इसलिए मानना पड़ेगा। और प्रतिदेह में हम प्रत्येक प्रत्यक्षेण उपलब्ध मानत्वात्, प्रत्येक शरीर में हम प्रत्येक का जो भेद है प्रत्यक्ष तो उपलब्ध होने के नाते एकत्व हेतु, और एकत्व मान लेते फिर तो त्वम अहम और अयम इनमें भेद ही नहीं होना चाहिए, एक ही व्यवहार। फिर तीन शब्द बनाए क्यों पाणिनि ने, संस्कृत भाषा में आए क्यों तीन शब्द त्वम अहम और वो यम। इसलिए एतार्ष व्यवहार को देखते हुए भी या तो व्यवहार लोप करना पड़ेगा, व्यवहार लोप प्रसंगात व्यवहार का लोप होने लगेगा, तथा इसे निष्कर्ष निकलना आता है, निकल आता है आत्मभेद में प्रत्यक्ष प्रमाण है। आत्मभेदा भावे व्यवहारो न घटते न सिद्ध्यति, यदि आत्मभेद नहीं मानोगे व्यवहार ही सिद्ध नहीं हो पाएगा। इति व्यवहार सिद्धे अन्यथा अनुपत्या, व्यवहार सिद्धि की अन्यथा अनुपत्ति प्रमाण के आधार पर भी अर्थापत्तिश्च प्रमाण बहुत ही, अर्थापत्ति प्रमाण से भी आत्मभेद सिद्ध हो गया। आत्मा प्रति व्यक्ति भिन्नो भवती, व्यक्ति नाम भिन्नत्वाद गवादिवत अनुमान भी दे दिया, प्रत्यक्ष प्रमाण पहला दिया उसी उसके बाद अर्थापत्ति प्रमाण दिया और अब अनुमान प्रमाण प्रस्तुत करता है। आत्मा पक्ष है, वो कैसा है, प्रति व्यक्ति भिन्नो भवती, प्रति व्यक्ति भिन्न भिन्न होता है, क्यों, व्यक्ति नाम भिन्नत्वात् व्यक्तियों का भेद होने से गवादिवदिति, आत्मा भिन्न एव भवती, पहले भिन्नो भवती कह दिया सामान्य, अब एव कार के साथ जोड़ दिया, आत्मा भिन्न एव भवती प्रति व्यक्ति अहम प्रत्यय भेदात, व्यक्ति प्रत्यय भेदात घटाधिवदिति आदि अनुमान च प्रमाणम, आत्मा भिन्न ही हुआ करता है प्रति व्यक्ति का अहम प्रत्येक भेद होने से, या प्रति व्यक्ति के प्रत्येक भेद होने से, व्यक्ति प्रतिभेदात दूसरा हेतु दो हेतु दे दिया पर घटादि के समान इत्यादि अनुमान च प्रमाणम। शब्द प्रमाण क्या है आपके पास, ये श्रुति है देखो, आदित्य देवा गंधर्वा मनुष्य पितरो असुरा इति, देवादि भेद प्रतिभा श्रुतिश्च प्रमाणम, देवादि भेद का प्रतिपादन कर रहे श्रुति, पुराण वचन भी है, देव दानव गंधर्वा यक्ष राक्षस किन्नरा इत्यादि पुराण वचन च प्रमाणम, इत्यादि पुराण वचन भी प्रमाण है। व्यक्ति भेद तो मानना ही पड़ेगा, अतएव आत्मभेद मानना पड़ेगा। यदि आत्मिकत्व एव अवगम्यते तरी तव सुख दुख का व्यवस्था पे न सिद्धे, इतना ही नहीं, यदि आत्मिकत्व स्वीकार करोगे क्या तो तुम्हारे सुख दुख आदि की व्यवस्था भी नहीं बन पाएगा, मैं सुखी हूँ और ये दुखी है, ऐसा जो भेद व्यवहार है ये नहीं हो पाएगा। यदि आत्मकत्व एव अभिगमते तरी तव सुख दुख का व्यवस्था भी न सिद्ध्येत, तब के तत्पर्य आप वेदांतियों के मत में सुख दुख व्यवस्था नहीं दे पाओगे। एकस्मिन् दुखिनी सुखिनी च सर्वे भी दुखी न सुखिनश्च स्युः, एक ही आत्मा जो है, एक एक दुखी होने पर सभी दुखी होना चाहिए, एक के सुखी होने पर सभी सुखी होने चाहिए, एक ने हाथ उठा दिया संसार पर के सब लोगों को हाथ उठा देना चाहिए, एक ही आत्मा है ना सभी में, वो निर्देश दे रहा करो, एक आत्मा के निर्देश होने से सभी एक साथ क्रियाकलाप होना चाहिए, फिर तो यह आपत्ति है।
एक सो जाए तो सात हो जाएगा, समस्या हो जाएगी फिर तो। ऐसे तर्कशील को कैसे समझा जाए, ऐसे तर्कवादी को? बस समझा रहे ना, आप देखो जवाब दे रहे, ऐसे थोड़ी नहीं देंगे, हमारे पास सबके जवाब है। नहीं मानेंगे खंडन खंड खाद्य रख देंगे ना, खाते रहो अभी खंडन खंड, खंडन खंड खाद्य ना, खंडन के जो उन्होंने हमारा खंडन किया हमने उनकी खंडन करके वही खाद्य बना के खिला दिया, तू खा ले मस्त रहे। उसे मनवाने वालों ने बहुत मेहनत की थी। और क्या, उन्होंने अपनी अपनी पूरी कोशिश की, द्वैतवादी कम थोड़े हैं, एक नहीं अनेकों हैं, वो अपनी पूरी जोर लगाए हैं अपना द्वैत सिद्ध करने के लिए, भेद सिद्ध करने के लिए। और अद्वैत ही कम नहीं है, इनके पास श्रुति प्रमाण स्मृति प्रमाण ऐसे हैं, और अनुभव किए हुए ब्रह्मज्ञानी लोग भी कम नहीं हैं, इन्होंने ऐसे ग्रंथ लिख दिए हैं कि सबके सब स्पष्ट कर दिए। देवादि सर्वदेहेषु आत्मिकत्वे सर्वे सर्वज्ञासु, और देवालयों में जो आत्मा वही आत्मा हमें है, तो फिर देवता जी सर्वज्ञ तो हम भी सर्वज्ञ हो जाए, कोई अल्पज्ञ ना रहे दुनिया में, क्यों नहीं ऐसा हो रहा है। इतना ही नहीं, एकस्मिन बद्धे बंधो मुक्ते मोक्षश्च सर्वेषां प्रसज्यता, एक बुद्ध हो जाए सबके सब बुद्ध हो जाएंगे, एक मुक्त हो जाए सबके सब मुक्त हो जाएंगे। तस्मात प्रमाण सिद्धम आत्मा अनेकत्वम त्वयापि अंगीकृत चेत न, सिद्धांत जवाब देगा। इसलिए अनेक प्रमाण सिद्ध हो गया आत्मा का अनेकत्व, वो आपके द्वारा भी अवश्य स्वीकार करना चाहिए। इति चेत न व्याप्ति व्यभिचारात प्रत्यक्ष सिद्धे है इति।